ये गाड़ी चढ़ नहीं रही है, बिल्कुल रेस जो कुपी चाट रही है। और ये खाई, ये आप बहुत सारे डरों की जान गई है, क्या करिए अभी। और देखिए ये कंडीशन, ये गाड़ी फंसी हुई है और ये ले लैंड या रुकी हुई है, तीसरे टाटा पास कर रही है। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो तो इस घाट में। ये ब्रांड तो ऐसा है कि अगर ट्रक लेनी हो तो आंखें बिल्कुल बंद करके 40 लाख दे दो और सब परेशानों से मुक्त हो जाओ। देखो देखिए फायरिंग इंजन की आवाज़, देखिए कमिंस इंजन का कमाल, ये है टाटा की पावर। देखिए टाटा, और ये फॉरेन कंपनी, ये क्या करें अभी। इस फॉरेन कंपनी का टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है भारत बेंच की, ये चढ़ नहीं पा रही है। और टाटा तो उसको खुन्नस देके चली गई, क्या करें अभी। और इसका देख के लेलैंड भी देख के पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, उसका भी शायद ओवरलोड होगा। लेलैंड तो बहुत पावरफुल मशीन है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा मौसम कट होने की वजह से मेरे ख्याल से पीछे जाके लेलैंड आएंगे अभी, ऐसी बात। हाँ, और इनकी इस गाड़ी की भारत बेंच की लगातार कोशिश जारी। अब ये उनकी पांचवी बारी है, पांच बार चढ़ाई करने की कोशिश, गाड़ी अभी भी वो पीछे ले रही है, जगह से तो हिल नहीं रही गाड़ी। शायद फिर मौसम पकड़ के आएंगे ये दोनों, ऐसी बात है। तो जो फॉरेन की जो कंपनियां हैं उनको 50 लाख 45 लाख की गाड़ी अगर लेता है कोई आदमी, तो उसके साथ अगर उनकी प्रॉब्लम टेक्निक में कुछ कमी है, गाड़ियों में कुछ कमी है, तो उनके साथ फ्री में चमाट मारने की मशीन 50,000 की फ्री में देना चाहिए उनको, ऐसी बात है। इंडिया के रोड का नॉलेज होना चाहिए, या ओवर रोडिंग चलती है या घाट सेक्शन खतरनाक रहते हैं। तो टाटा और लेलैंड ये दोनों ही गाड़ियाँ चलती है, बाकी गाड़ियाँ कोई ग्रिप नहीं ले मार्केट से, बहुत तो भाग गई, स्कैनिया भाग गई, हाइनो आई थी या कि जापान की, वो भी अपना बाढ़ बिस्तारा गुंडाल के चली गई, क्या करें अभी। ये लोकल ब्रांड है ना, महिंद्रा टाटा ये चल रही है, महिंद्रा टाटा और लेलैंड ये गाड़ियाँ यहाँ चल रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये लेलैंड तो बहुत दूर चली गई, और इनकी अभी छठी कोशिश होगी, आएंगे फिर से। देखिए उन्होंने 800 रुपये देने से इनकार किया, अब देख सकते हैं उनका शायद ज़्यादा भरोसा होगा अपने मशीन पे, या ऑपरेटरिंग में कुछ कमी होगी, क्या प्रॉब्लम है देखेंगे अभी। लेकिन पांच बार ट्राई कर चुकी है गाड़ी, अब छठी बार क्या होता है देखेंगे हम। जय हिंद दोस्तों।